बच्चों हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आपको जैसे कि पता है हमने ये वाली इक्वेशन बना ली थी जो इस वक्त आपके सामने 2y0 cos 2π f1 - f2 / 2 cos 2π f1 + f2 / 2 d। आपको याद है शुरू में हमने आपको दो वेव्स दिखाई थी, उन दोनों वेव्स को हमने एक साथ चलाया था। तो जब दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, यानी उनके अंदर इंटरफेरेंस होता है, तो वो एक वेव एनवेलप जनरेट करती हैं। वो वेव एनवेलप ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी इस तरह करके बाउंड्री में, ये देखें ये वेव एनवेलप है। और वो दोनों वेव्स आपस में मिलकर बेटा वेव्स बनाती हैं, और वो वेव्स ये वाली ये नज़र आ रही है उस तरह की एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए बहुत सारी वेव्स। इन वेव्स को हम कंटिन्यूस वेव्स कहते हैं। अब ऊपर जो इक्वेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई ये इस इक्वेशन को हम इस वेव्स के हिसाब से डिफाइन करेंगे कि इस इक्वेशन का कौन सा हिस्सा इस वेव के साथ अटैच है। तो सबसे पहले आपको जो ये वेव नज़र आ रही है इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वाइब्रेट होती हुई बहुत ज़्यादा, तो इस वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो ये वाली होती है f1 + f2 / 2। इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं एवरेज फ्रीक्वेंसी फॉर कंटिन्यूस वेव। ये जो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं बहुत सारी, इनको कंटिन्यूस वेव्स कहते हैं, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम एवरेज फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। जब दोनों साउंड वेव्स आपस में मिलती हैं और मिलकर बहुत ज़्यादा एक साथ वेव्स बनाती हैं, और वेव्स जब मूव होकर आगे बढ़ती है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f1 + f2 / 2 होता है। इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर ये वाला जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा, ये सारा हिस्सा असल में ये जो वेव नज़र आ रही है इसका एम्पलीट्यूड है। देखिए ये एम्पलीट्यूड है इस वेव का, ये एम्पलीट्यूड है इस वेव का, ये एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, यानी ज़्यादा से कम हो रहा है, फिर सिफर हो जाएगा, फिर कम से ज़्यादा होगा, फिर कम होने लगेगा, फिर सिफर हो जाएगा, फिर ये देखें फिर ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सिफर हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, सिफर हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रहा है। ये सब डिपेंड करता है बेटा इस कॉस की वैल्यू पर। ये जो आपको पूरी वैल्यू नज़र आ रहा है यहाँ से cos 2π f1 - f2 / 2 d, ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर ही एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। एक्चुअल एम्पलीट्यूड 2y0 है। तो बेटा 2y0 एम्पलीट्यूड ये ना, ये 2y0 है, ये 2y0 है, जहाँ पे देखें मैंने आपको आंतों के इशारों से बता रहा हूँ, दिस इज़ द 2y0। और ये वैल्यूज़ आपको जब भी मिलेंगी उस वक्त मिलेगी ये सारी वैल्यूज़ 2y0 की इस कॉस के साथ अटैच है, जो मैं आपको मज़ीद अभी आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल 2y0 cos 2π f1 - f2 / 2 t असल में इस वेव का एम्पलीट्यूड है, और इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी जो कि इस एम्पलीट्यूड के लिए चाहिए। देखिए ये जो एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है आपको, ये देखें मेरे हाथों के इशारे से, ये भी एक वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो ये वाली है f1 - f2 / 2। तो बेटा ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जो आपको ये वेव्स अंदर नज़र आ रही है तेज़ी से मूव होते हुए, दिस इज़ द कंटिन्यूस वेव्स, और उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी ये है। लेकिन ये जो आपको ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला, ये एक कम वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, और इस एम्पलीट्यूड के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो ये वाली है। अब ये जो आपको एम्पलीट्यूड है बेटा वो इस कॉस के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यू कम होती है मिनिमम 0, और एक वैल्यू होती है बेटा 1। अगर ये पूरी कॉस की वैल्यू बेटा क्या हो जाए, शाबाश, कॉस की पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाएगा, यानी इस जगह पर आ जाएंगे हम, इस जगह पर आ जाएंगे और कोई साउंड ऑब्जर्व नहीं होगा, साइलेंस होगा। लेकिन अगर कॉस की यही वैल्यू बेटा 1 के बराबर हो जाए तो नतीजे के अंदर आपको, यानी ये पूरा हिस्सा अगर 1 हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा बेटा 2y। अब इस हिस्से का कोई काम नहीं है, सिर्फ इस पर डिस्कशन हो रहा है। तो बेटा 2y0, तो 2y0 कब मिलेगा, जब cos 2π f1 - f2 / 2 t की वैल्यू 1 हो जाए तो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा 2y0, और आपको फिर एक बीट सुनाई देगा। अगर वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी तो फिर आप इस जगह पर और इस जगह पर नहीं होंगे, यहाँ दरमियान में किसी जगह पर होंगे, 0 पर यहाँ होंगे, 2y0 पर यहाँ पर होंगे। जब वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 1 होगी तो 2y0 यहाँ, जब वैल्यू 0 होगी यहाँ 1 होगी 2y0, जब 0 होगी तो यहाँ 1 होगी 2y0, अगर 0-1 के दरमियान में तो ये जगह होगी। तो अगर बीट सुनना है तो वैल्यू लाजमी 2y0 होनी चाहिए एम्पलीट्यूड की, तो ही बीट होगी वरना नहीं होगी। तो यहाँ तक जो आपने अब तक सीखा इसको ज़रा थोड़ा सा समराइज़ करें और अच्छी तरह ध्यान में बिठाएं, बहुत आसान है। जो ऊपर सबसे टॉप पर
इक्वेशन लिखी हुई, उस इक्वेशन के अंदर बेटा एफ वन प्लस एफ टू अपॉन टू टी, एफ वन प्लस एफ टू डिवाइड बाई टू, बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, एवरेज फ्रीक्वेंसी कहलाती है और ये इस कंटिन्यूस वेव की है। दूसरा, इस वेव के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये वाला हिस्सा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और उस एम्पलीट्यूड के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ वन माइनस एफ टू अपॉन टू टी है बेटा। इसके अलावा आपको ये एम्पलीट्यूड जब भी बेटा मिनिमम होगा नो बीट्स ऑब्जर्व, और जब मैक्सिमम होगा तो ये बीट सुनाई देती रहेगी। तो बेटा कब ये मिनिमम होगा? जब कॉस की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये पूरी कॉस की वैल्यू ज़ीरो, तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो, कोई बीट ऑब्जर्व नहीं होगी। और जब यही कॉस की वैल्यू वन हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा टू वाई नॉट के बराबर और एक बीट ऑब्जर्व हो जाएगी। ये सब थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है समझने में, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ज़हन में बैठा सकते हैं। बहुत आसान से पॉइंट है कि अगर कॉस अपनी वैल्यू ज़ीरो शो कर दे तो नो बीट ऑब्जर्व और एम्पलीट्यूड ज़ीरो रहेगा, और अगर कॉस अपनी वैल्यू वन कर दे एम्पलीट्यूड टू वाई नॉट हो जाएगा और बीट सुनाई देगी। अब बेटा हम अपने अगले हिस्से में ये बात साबित करेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी इज़ द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड वेव्स। उसके लिए हमने इस इक्वेशन में उस हिस्से को खाली सिर्फ कंसीडर करना है जिसमें हमारा ये रिजल्ट मिल रहा है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी इज़ द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड वेव्स, और वो हमारा ये वाला हिस्सा। तो अब इस हिस्से के साथ सिर्फ और सिर्फ खाली हम कॉस का ये सारा हिस्सा खाली कंसीडर करेंगे, यानी सिर्फ अगर आप देखना चाहें तो हम सिर्फ ये वाला हिस्सा खाली लेकर चलेंगे सारा का सारा। और इस हिस्से को लेकर चलकर हम बेटा साबित करेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी इज़ द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड वेव्स।